पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी ने आज से करीब 18 साल पहले ये शायद ही सोचा होगा कि वो जो सियासी अदावत में बर्बर हत्या करवा रहा है वो एक दिन उसकी सियासत का दी एंड करवा देगी। भला सोचता भी कैसे जब प्रदेश के मुखिया का उसे सियासी संरक्षण हो। लेकिन मुख्तार और उसका भाई अफजाल अंसारी ये भूल गए थे कि एक दिन वक्त बदलेगा और उनका सियासी रसूख, माफियागिरी, धन और बाहुबल सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वक्त बदला लेकिन उसे बदलने में 18 साल लग गए। शनिवार यानी 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी और उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी के साथ ही अब ये तय हो गया कि अफजाल की सांसदी भी छिन जाएगी। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंग चार्ट पर आधारित हैं। इन मामलों में बहुचर्चित BJP विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कांड भी शामिल है। कृष्णानंद राय की बर्बर हत्या ने UP ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राय परे के 47 से 500 गोलियां दागी गई थी। बताया जाता है कि उनके शरीर से 60 से भी ज्यादा गोलियां मिली थी। इतना ही नहीं हत्यारों ने BJP नेता की शिखा भी काट दी थी। कटी हुई चोटी मुख्तार अंसारी के सामने ले जाकर दिखाई गई। कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा, चोटी काट ली, जय श्री राम मुट्ठी में है। दरअसल कृष्णानंद राय चोटी रखते थे और जय श्री राम बोलते थे। चोटी काटने का एक और अर्थ भी था, शिखा को सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है। खास तौर पर भूमिहार समाज में इसकी अपनी अहमियत है। आपको बता दें कि इस हमले में उनके काफिले में शामिल 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। ऐसे में आज आपको कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की जुबानी सुनाते हैं उस दिन क्या हुआ था। लोगों का इतना डर था कि लोग खुल के सामने नहीं आते थे, तो पिताजी को ही निकल के घर से और लोगों को अपने ढाढ़स बताना या मनोबल बढ़ाने का कार्य करना होता था। CRE में क्रिकेट मैच रखा गया था, पिताजी के साथ हमारे जो मुकदमावादी थे, हमारे बड़े पिता स्वर्गीय राम नारायण राय जी वो भी थे, मेरे चाचा जी थे ब्रिजेश राय जी, ये लोग मौके पे मतलब उन लोग के साथ भी थे। CRE मैच में उद्घाटन करने के बाद पिताजी को यही कार्यकर्ता मीटिंग के लिए कनवान जाना था, एक बगल का गाँव था, तो बसनिया चट्टी पे ये हत्याकांड को किया गया। मेन बात इस मुकदमे से या इस पूरे घटना से ये था कि ये पूरे एक घटनाक्रम को क्षेत्र में करा के ये मैसेज देना था कि उनके बाहुबल या उनके धन बल या उनके साम्राज्य पे कोई भी चोट पहुंचाएगा तो उसको ये लोग ऐसे ही रास्ते से हटाते रहे। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है 67 गोलियां निकली थी जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिनको गोलियां लगी थी, आपको क्या लगता है ये बर्बरता दिखाने का तरीका था? देखिए मैंने आपसे बताया ना कि ये घटना करना ही एक मैसेज देना था और उनकी शिखा काटना ही उसकी कट्टरता को जताना था। और जैसा कि आपने कहा कि 67 गोलियां मिली थी तो उस समय 500 राउंड से अधिक गोलियां चली थी, तो ये भी एक बर्बरता की निशानी है। तो बिल्कुल उन लोगों का ये था, जब सरकार के परिसर पे उस समय के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिसर पे जब कोई राजनीतिक हत्या दृष्टिगत की गई तो उसमें बर्बरता दिखाना इनका शुरू से माहौल रहा है। इन्होंने दिखाया उस समय के मऊ दंगे भी, आप स्वयं साक्षी रहे होंगे कि उस समय भी बर्बरता दिखाने का प्रयास किया गया, तो उसी का नतीजा रहा कि ये हत्याकांड को लोगों ने साजिश की। कृष्णानंद राय की जिस दिन हत्या हुई उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ले गए थे क्योंकि जिस कार्यक्रम में वो गए थे वो गांव ज्यादा दूर नहीं था। इस हमले में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया। बताया गया कि हत्याकांड के पीछे चुनावी रंजिश वजह थी। दरअसल मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र मुख्तार और अफजाल अंसारी के प्रभाव वाली सीट थी, लेकिन 2002 जब चुनाव हुआ तो कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर उस सीट पर कब्जा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है किसी के बाद दोनों भाइयों ने कृष्णानंद राय को जान से मारने का मन बना लिया था। हालांकि जब यह हत्याकांड हुआ उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था।